हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट इन SQL। SQL सर्वर में ड्रॉप एंड ट्रंकेट क्या होता है? तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कई सारे वीडियो एंड प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। प्लीज वॉच कम्प्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। In this video tutorial, we will learn complete SQL drop and truncate command with practical example in SQL server. हम लोग practical example के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि what is difference between drop and truncate in SQL। सबसे पहला point है, हम लोग ने डायरेक्ट कमांड से स्टार्ट किया है कि ड्रॉप का हम लोग सिंटैक्स कैसे लिखते हैं एंड ट्रंकेट का हम लोग सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ट्रंकेट में ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। दूसरा पॉइंट है, ड्रॉप इज DDL कमांड, ट्रंकेट इज आल्सो DDL कमांड। DDL कमांड मींस डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्कीमा को, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सारे DDL कमांड्स में आता है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जिसमें हम लोग टेबल के ऊपर काम करते हैं, स्कीमा के ऊपर काम करते हैं, उसे हम लोग DDL कमांड करते हैं। थर्ड पॉइंट है, ड्रॉप इज यूज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड विथ टेबल डिफिनेशन एंड इंडेक्सेस कंस्ट्रेंट्स ट्रिगर्स etc फॉर दैट टेबल। जो जिस टेबल को हम लोग डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड उस टेबल में जितने भी कंस्ट्रेंट लगे होंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, जितने भी इंडेक्स लगे होंगे, क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड, जितने भी ट्रिगर्स यूज हुए होंगे उसमें, वो सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीट होता है। इन ट्रंकेट टेबल द होल टेबल इज लॉक्ड वाइल रिमूविंग ऑल द रिकॉर्ड। ट्रंकेट में क्या होता है कि पूरे टेबल पे लॉक लगा दिया जाता है और कंप्लीट रिकॉर्ड को डिलीट जो है कर दिया जाता है। और इसमें स्कीमा डिलीट नहीं होता है, मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रंकेट में टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा ही। फोर्थ पॉइंट, इन ड्रॉप कमांड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विल बी रिमूव्ड। मैंने आपको बताया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जितने भी हैं, इंडेक्सेस कंस्ट्रेंट ट्रिगर्स, ये सारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है जो कि रिमूव्ड हो जाते हैं। व्हाइल इन ट्रंकेट कमांड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विल नॉट बी रिमूव्ड। इसमें जो भी आपके फॉरेन की, प्राइमरी की, आपके इंडेक्सेस, ट्रिगर्स जो भी यूज हुआ होगा वो सारा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, इन ड्रॉप कमांड टेबल स्पेस इज फ्रीड फ्रॉम मेमोरी। ड्रॉप में क्या होता है, टेबल स्पेस हमारा फ्री हो जाता है मेमोरी से। While the truncate command does not free the table space from memory, चूँकि हमारे पास इसमें स्कीमा तो टेबल का होता है तो इसलिए हमारे पास टेबल स्पेस को नहीं फ्री किया जाता है। सिक्स पॉइंट, ड्रॉप इज स्लोअर बिकॉज इट चेक्स ऑल द कंस्ट्रेंट कॉम्प्लिकेशंस यूज ऑन द टेबल। ड्रॉप स्लोअर होता है क्योंकि इसमें क्या है कि सारे कंस्ट्रेंट को पहले चेक किया जाता है, देन ड्रॉप कमांड फायर होता है। वाइल इन ट्रंकेट इज फास्टर बिकॉज इट नॉट चेक्स कंस्ट्रेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस यूज्ड ऑन द टेबल।
मिनिमल लॉगिंग इन द ट्रांजेक्शन लॉग, ठीक है। तो इसमें चेक नहीं होता है कंस्ट्रेंट्स वगैरह, तो ये फास्टर होता है ट्रंकेट। इन ड्रॉप कमांड व्यू ऑफ टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, चूंकि कंप्लीट टेबल ही ड्रॉप होता है तो व्यू ऑफ टेबल जो है एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। व्हाइल इन ट्रंकेट कमांड व्यू ऑफ टेबल एग्जिस्ट। एट पॉइंट, इन ड्रॉप कमांड वी कांट रोल बैक द डेटा। इन ट्रंकेट ऑल्सो वी कांट रोल बैक द डेटा। ट्रंकेट में भी हम लोग रोल बैक नहीं कर सकते, ड्रॉप में भी रोल बैक नहीं कर सकते डेटा को। नाइन्थ पॉइंट, इन ड्रॉप कमांड डज नॉट कंटेन अ वेयर क्लाउज। हम लोग ड्रॉप में वेयर क्लाउज का यूज नहीं कर सकते। सेम इन ट्रंकेट कमांड वी ऑल्सो डज नॉट कंटेन द वेयर क्लाउज। हम लोग ट्रंकेट कमांड में भी वेयर क्लाउज का यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम लोग SQL सर्वर को ओपन करते हैं। हम लोग SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में यहाँ पे पासवर्ड देके कनेक्ट करते हैं। डाटाबेसेस में आएंगे, टेस्ट DB डाटाबेस में राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट है या नहीं है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज, ठीक है। इम्प्लाई टेबल पे हम लोग जो है ड्रॉप को यूज करेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे टेबल एंड डेटा हमारे पास है या नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो है रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास, अब मैं आपको यहाँ पे टेबल को भी मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा इम्प्लाइज टेबल है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसे राइट क्लिक करके और मैं स्क्रिप्ट इसका करता हूं ताकि इसका मैं आपको स्कीमा दिखा पाऊँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये टेबल का स्कीमा है हमारे पास। तो टेबल कैसे हम लोग बनाए हुए हैं, इम्प्लाई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज और डेटा टाइप सारे कॉलम का, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं और मैं यहाँ पे अब ड्रॉप कमांड का यूज कर रहा हूँ। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल इम्प्लाइज। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आप यहां पे देख पा रहे हैं। अब मैं यहां पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज करता हूं। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम इम्प्लाइज मींस कंप्लीट, हमारा कंप्लीट टेबल डिलीट हो चुका है। उसमें जितने भी डेटा थे, उसके अंदर जितने भी कंस्ट्रेंट थे, ट्रिगर था, सब कुछ डिलीट हो चुका है और मेमोरी से फ्री भी हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं टेबल को। अब यहाँ देख पाएंगे इम्प्लाइज नाम का टेबल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ड्रॉप का एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे ट्रंकेट का देखते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग के लिए टेबल एंड इंसर्ट क्वेरी को लिख के रखा हुआ है। मैं फिर से टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल का क्वेरी है। तो मैं सबसे पहले टेबल क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मीन्स हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है।
मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके दिखा रहा हूँ। टेबल क्रिएट हो चुका है बट हमारे पास टेबल में भी डेटा इंसर्टेड नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी के थ्रू डेटा को इंसर्ट करा लेते हैं। रोज अफेक्टेड आप देख पा रहे हैं, मीन्स हमारे पास सारा डेटा हमने इंसर्ट करा लिया है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास सारा रिकॉर्ड इंसर्टेड है रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रंकेट का यूज करते हैं, ट्रंकेट कमांड का। तो सबसे पहले ट्रंकेट टेबल देन टेबल नेम एम्प्लॉयज, ठीक है। अब हम लोग कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड टेबल से डिलीट हो चुका है बट हमारे पास टेबल का स्कीमा अभी भी है, क्योंकि ट्रंकेट में टेबल का स्कीमा डिलीट नहीं होता है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है, टेबल का स्ट्रक्चर रहता है। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर को भी देख लें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज टेबल में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल का स्ट्रक्चर है जो कि डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉप एंड ट्रंकेट टेबल का डिफरेंस भी देखा एंड विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे शेयर करें इस वीडियोज़ को ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे जिन्हें इस तरह के इन्फॉर्मेशन और वीडियो ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।